दोस्तों हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और ये जो बैच है वो सीईटी के लिए काफी अच्छा बैच है। अगर आप 22 दिन में हरियाणा के सभी 22 जिलों को पढ़ लेते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपकी लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगी। और ये काफी मतलब बड़ी अमाउंट के क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट जो जीके है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आज का हमारा जिला क्या है? जिला नंबर 4 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी जीके के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कुरुक्षेत्र, इसका उपनाम क्या है? धर्मनगरी। धर्मनगरी क्यों कहा जाता है कुरुक्षेत्र को? क्योंकि यहाँ पर क्या है, महाभारत का प्राचीन युद्ध हुआ था। और यही कारण नहीं है कि यहाँ पर महाभारत का प्राचीन युद्ध हुआ था, इसका एक और कारण है कि यहाँ पर क्या है, मंदिरों की संख्या सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्या है, कुंड है, अलग अलग झील है, जिनका महत्व क्या है, बहुत ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धर्मनगरी हरियाणा का कौन सा जिला है, तो आपको क्या है, कुरुक्षेत्र पर टिक करना है। कुरुक्षेत्र जो जिला है उसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1973 को। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्थापना पूछ ली जाती है कि इस जिले की स्थापना कब हुई। कई बार सन भी पूछ लिया जाता है और कई बार क्या है, एग्जैक्ट जो डेट होती है वो भी पूछ ली जाती है। क्षेत्रफल कितना है? 1530 स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 888 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। कुरुक्षेत्र जिले का लिंगानुपात कितना है? 888 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। साक्षरता दर कितनी है? 76.31% क्या है दोस्तों, साक्षरता दर है। तहसील कौन कौन सी है? थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, लाडवा, ये क्या है, 4 तहसील हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सी है दोस्तों? थानेसर है, पेहोवा है, और क्या है, शाहबाद है, लाडवा है, ये क्या है, विधानसभा क्षेत्र हैं। थानेसर का जो वर्णन है वो क्या है दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा लिखा एक ग्रंथ है हरिश्चरित, उसमें मिलता है। थानेसर का जो वर्णन है दोस्तों बाणभट्ट ने क्या है, देखो यहां से एक क्वेश्चन ये भी इरेज होता है, राइज होता है, कि थानेसर का जो वर्णन है वो किस किताब में मिलता है? हरिश्चरित में। हरिश्चरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। श्री कृष्ण ने ज्योतिसर सरोवर के निकट, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्योंकि धार्मिक नगरी है, वो धर्म से जुड़े क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है कि पूछ लिया जाता है कि श्री कृष्ण ने किस सरोवर के निकट क्या है, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उस सरोवर का नाम क्या है, ज्योतिसर सरोवर। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है हरियाणा का। जो सबसे प्राचीन मंदिरों में जो गिनती की जाती है वो क्या है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। अमीन गांव, अमीन, देखो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अर्जुन का एक पुत्र था अभिमन्यु, जो क्या है, चक्रव्यूह को भेदने के दौरान क्या है, शहीद हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो अमीन गांव का संबंध वहीं पर क्या है, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को भेद रहा था तो कौरवों ने क्या है, अभिमन्यु की जो क्या है, मौत की घाट उतार दिया था इस स्थान पर। अभी उस गांव का नाम क्या है, अमीन गांव है, यानी कि क्या है दोस्तों, अभिमन्यु पहले अमीन गांव हुआ करता था, लेकिन क्या है, उस स्थान पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम क्या है, अभिमन्यु पुर कर दिया गया है। औरंगजेब के काल में कुरुक्षेत्र का दुर्भाग्य काल माना गया है। देखो दोस्तों औरंगजेब क्या है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और औरंगजेब क्या है, हिंदुओं से काफी नफरत करता था। उसने टारगेट किया हुआ था जो हिंदू धर्म थे, वो क्या है, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था। और जबरदस्ती क्या है दोस्तों, उसने क्या है, कुरुक्षेत्र जो धार्मिक नगरी थी, जो धर्म धर्म के हिंदू धर्म के लिए क्या है, आस्था का प्रतीक था, उसने पूरे देश में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तुड़वाने का काम किया, उनको ध्वस्त करने का काम किया। तो औरंगजेब के समय में क्या है, कुरुक्षेत्र को दुर्भाग्य काल माना गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का जो सबसे दुर्भाग्य का काल रहा है वो मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में रहा है। इस काल में औरंगजेब ने क्या है, मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया, और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने पर 5 रुपये और जल लेने पर 1 रुपया लगा दिया। अब देखो दोस्तों इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि
अपने मंदिर में जाना, अपने धर्म को मानना, वहां पर जाकर पूजा करना और उसके लिए पैसे चुकाना, तो ये क्या है? सरासर जुल्म था उस समय के लोगों पर। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा क्या है दोस्तों? थानेसर में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर में। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। दारा शिकोह द्वारा, दारा शिकोह क्या है? औरंगजेब का भाई था, उसके द्वारा क्या है दोस्तों? निर्माण करवाया गया। दारा शिकोह क्या है? काफी शांति प्रिय था, लेकिन औरंगजेब क्या है? बिल्कुल उसके उल्ट था। पेहोवा, पेहोवा का क्या है दोस्तों? धार्मिक महत्व काफी है, इसके बारे में जानते हैं। शिव व माता पार्वती की इच्छा के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने पेहोवा में स्थान पर अपनी त्वचा उतारकर माता पार्वती को दी थी। इस स्थान पर क्या है? भगवान कार्तिकेय का मंदिर भी है। तो पेहोवा में क्या है? भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। आपने सुना होगा कि गणेश जी के साथ क्या है? वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले थे, तो इस स्थान पर क्या है? माता पार्वती को अपने शरीर की त्वचा निकाल कर दी थी, और यहां पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर भी है। और पेहोवा का और भी अन्य धार्मिक महत्व है। पशुपति महादेव शिव की पंचमुखी मूर्ति स्थापित है, और यहाँ इस मंदिर में कोई भी शिवलिंग नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, जहां पर भी आप महादेव महाकाल के मंदिर में जाते हो तो वहां पर आपको शिवलिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेहोवा में पशुपति महादेव का एक ऐसा मंदिर है, भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कोई भी शिवलिंग नहीं है। आलू और शकरकंद उत्पादन में प्रथम जिला, अंबाला जिला हल्दी उत्पादन में प्रथम था, और आलू उत्पादन में क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा क्या है? प्रथम जिला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये क्या है दोस्तों? हरियाणा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी 1956 में। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय 2016 में। कल्पना चावला स्मारक तारामंडल, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ज्योतिसर में है। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में इसका निर्माण किया गया था। शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। प्रजनन केंद्र, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है दोस्तों? दो प्रजनन केंद्र है, एक तो क्या है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और एक क्या है जीव वन्य अभयारण्य। जीव वन्य अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय महिला हॉकी एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? शाहबाद में है। 2016 में इसका शुभारंभ किया गया था। आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर है। 24 जून 1991 को क्या है? इसकी स्थापना की गई थी। मंदिर कौन कौन से हैं? अब मंदिर तो आ ही हैंगे ना, क्योंकि धर्मनगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बाबा शरवणनाथ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बिड़ला मंदिर है, 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने इसका क्या है निर्माण करवाया था। भद्रकाली मंदिर है, 51 शक्ति पीठों का क्या है वहां पर निवास है। ज्योतिसर तीर्थ है, गीता का उपदेश के लिए जाना जाता है। ब्रह्म सरोवर है, इसके है राजा कुरु ने इसका निर्माण करवाया था। नवंबर दिसंबर में गीता जयंती समारोह होता है। हरियाणा के अंदर क्या है? बड़ी धूमधाम से क्या है नवंबर और दिसंबर में क्या है गीता जयंती जो समारोह है वो मनाया जाता है। बाण गंगा नरकातारी संबंध द्वापर युग से है। विषम पितामह अर्जुन बाण, देखो दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसा स्थल है जिसको क्या है बाण गंगा जो है स्थल भी कहा जाता है। यहीं पर क्या है जो विषम पितामह है उनकी शैया थी, और जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझे क्या है माता गंगा का जल ग्रहण करना है, तो अर्जुन ने यहाँ पर तीर चलाया और गंगा माता क्या है साक्षात प्रकट हुई, और क्या है भीष्म पितामह ने जल ग्रहण किया। गीता भवन मंदिर क्या है दोस्तों? यहाँ पर है। इसकी स्थापना रीवा एमपी के महाराज ने करवाई थी। कालेश्वर मंदिर भी क्या है दोस्तों? रामायण कालीन के दौरान का माना जाता है। रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है। कुबेर तीर्थ है, कुबेर ने यज्ञ किया था जहां पर, इसलिए क्या है दोस्तों यहाँ पर कुबेर तीर्थ है। चंद्रकूप मंदिर ब्रह्म सरोवर के पास क्या है? जिसे युधिष्ठिर ने खुदवाया था, ठीक है। चंद्रकूप भी है। कुरुक्षेत्र का पवित्र सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। हरियाणा के पेहोवा हथनीकुंड में पूर्व प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया है।
रानी रामपाल महिला हॉकी कप्तान का संबंध शाहबाद से है, और शाहबाद कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मेले कौन कौन से लगते हैं? सूर्य ग्रहण मेला, जब भी सूर्य ग्रहण मेला लगता है तो वहां पर लोग क्या है, स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाती हैं। कार्तिकी का मेला लगता है, सोमवती अमावस का मेला लगता है, महावीर जयनाती का मेला लगता है लाडवा में। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन उतने ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।